जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा टॉपिक बताने वाले हैं। कुंडली में अगर दो ग्रह एक साथ युति कर रहे हैं तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आपकी कुंडली पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों दो ग्रह जब एक ही राशि में हों तो उसे ग्रहों की युति कहा जाता है। किसी राशि पर ग्रहों का प्रभाव उसके घर में उपस्थित एक ग्रह और अन्य ग्रहों की युति पर निर्भर करता है। युति का असर लोगों की जिंदगी पर शुभ और अशुभ दोनों प्रकार से पड़ता है। अगर जातक की लाइफ पर इसका कुछ असर पड़ रहा है तो उसकी लाइफ की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और वो खुशहाल जीवन जिएगा। वहीं जिन लोगों के ऊपर इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है वे लोग बहुत ही परेशान रहते हैं। बात करें अगर मंगल और बुध अगर एक ही राशि में तो क्या होता है। यह युति कुंडली में हो तो जातक शिल्प कला औषधियों का ज्ञाता और शास्त्रज्ञ होता है। अगर ये युति केंद्र में हो तो जातक धनी और सुखी जीवन व्यतीत करता है। और बात करें अगर मंगल और गुरु एक साथ हो तो जिस जातक की कुंडली में ये दो युति होती है वो जातक विद्वान होता है, शास्त्रों में दक्ष होता है, गुणवान होता है, सभी गुणों से परिपूर्ण होता है। बात करें मंगल और शुक्र की तो ये युति अगर कुंडली में हो तो जातक कामी प्रवृत्ति का होता है। दशा अंतरदशा में जातक में काम वासना इतनी बढ़ जाती है कि वो बलात्कार तथा अन्य चीजें भी कर बैठता है, लेकिन ये अपने व्यापार में अपार सफलता प्राप्त करते हैं। ये युति जातक को विमान चालक भी बना सकती है। बात करें शनि और मंगल की एक साथ हो तो ये युति जातक की कमर दर्द से संबंधित उत्पन्न करता है, अत्यधिक क्रोध उत्पन्न करता है। ऐसे ही लोग निर्गुणी, धूर्त, कपटी, दुष्ट होते हैं, ढोंग व दिखावे की वजह से दूसरों का विश्वास पात्र बन जाते हैं और कलह भी इनके जीवन में अधिक होता है। बात करें बुध और शनि की, ये युति जातक को सभा में अच्छा व्याख्याता बनाता है। जातक कवि भी बन सकता है, कलाकार भी बन सकता है, अपने परिश्रम से जातक को उच्च पद प्राप्त होता है। बात करें बुध और शुक्र के तो ये युति जातक में हमेशा सुखी जीवन जीता है, अच्छी जिंदगी व्यतीत करता है, हास्य व विनोद प्रवृत्ति का होता है। और बात करें अगर बुध और गुरु की तो ये युति हो तो जातक बुद्धिमान, ज्ञानी होता है, शास्त्रज्ञ होता है, वक्ता होता है, सद्गुणी, प्रसिद्धि प्राप्त करता है। जातक वक्ता, पंडित, कवि, संशोधक व प्रसिद्धि हासिल करता है। तो ये कुछ युति के बारे में हमने आपको बताया है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।